हैं लोग इसी झुग्गी यानी झोपड़ी में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया था। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत बसंतपुर में और आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकले थे तो हमने सोचा आपको कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत दिखा दें। आपको बता दें कि ये जो महिला आप देख पा रहे हैं, बच्चे देख पा रहे हैं और इनके परिवार के अन्य लोग हैं, ये लोग इसी झुग्गी यानी झोपड़ी में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया और बताया कि ये जो आवेदिका हैं, इनके जो ये ससुर हैं, ये इनका घर पक्का बना हुआ है इसलिए इनको नहीं मिल सकता है। क्यों? हमारा घर एक छोटा मोटा जो है उमा वह रखा रहा था, मान के कबाड़ भरा है, इनका ही नहीं, इनका ही मिला है। इनके हिस्से में क्या है? इनका यही हिस्से में है बस। तो ये बताओ कि राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो ये राशन तुम्हारे में उठाती है या अलग रहती है? साधन में रहा है मगर अब इनका अलग हो चुका है। यानी आपने इनको अलग कर दिया आपने? हाँ। तो इनको इनके हिस्से में क्या दिया? इनको हिस्से में यह मिला है बंगला। यानी अब ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं? पात्र हैं। अच्छा, तो प्रधान ने क्या किया? प्रधान ने जो नहीं दिया वाकई नहीं और का। अच्छा, रिपोर्ट लगा दिया? रिपोर्ट लगा दी नहीं, इसे देख नहीं वाकई नहीं। अच्छा, चलिए हम इनको बात करते हैं। थोड़ा सा हम आपका घर देखना चाह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी है वो हट जाओ बेटा, इसमें कैसे लोग रहते हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो ये बताइए कि ये आप इसमें रहते हैं? हाँ, इतनी छोटी जगह में? हाँ, इसी जगह। तो आपके ससुर आपको अलग कर दिए? हाँ, क्या अलग कर दिए। ये इतनी जमीन आपको मिली है? हाँ, इतनी मिली। तो ये बताइए हमको कि आपने ये शिकायत भी किया था कि हमें जो है अपात्र घोषित कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। आपका नाम था लिस्ट में? नहीं भाई। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि ये बिल्कुल जो है अगर देखा जाए तो पात्र हैं और इनका आरोप है कि प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है कि इनके ससुर का पक्का मकान बना हुआ है, जबकि इनका दावा है कि उस पक्का मकान में पूरी तरीके से जर्जर है और गिरने वाला है, जबकि इनको इनके ससुर ने यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे इनसे बात करते हैं। हाँ, ये भाई साहब, ये घर आप ही का है? जी मेरे। ये आपकी वाइफ है? जी मेरी वाइफ है। तो प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए आपने क्या किया था? सर मैंने आवास के लिए GRS किया था सर। IGRS? जी। तो लिस्ट में नाम वन था? आवेदन सर किया था, तो जब मेरे को सूचना मोबाइल पे निरस्तरण आ गया तो मैंने देखा, तो मैंने दरखास्त चालू किया दौड़ भाग कि देखे मेरी रिपोर्ट कहाँ से निरस्त किया गया सर। अच्छा, ब्लॉक भी गया सेक्रेटरी से मुलाकात घोषित कर दिए? जी, ब्लॉक अच्छा। भी गया सेक्रेटरी से मुलाकात दी, वो बोला कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, दूसरे के बताए मुताबिक मैंने निरस्तरण कर दिया। अच्छा, किसने बताया? सेक्रेटरी ने सर। चलिए बाहर चलिए, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे। फिर क्या बताया यहाँ ये? फिर सिक्योरिटी से सर बात हुई तो वो बोला, कुछ बोल ही नहीं बोला कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं, बस बोला कि टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, ये फला धमाक यहाँ से बैठे बैठे ही निरस्त कर दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इनका आवास है और इनके ससुर को पात्र घोषित करते हुए बताते हुए इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। बहरहाल इस तरीके की जो तस्वीरें हैं आए दिन आया करती हैं। हम एक बात इनसे और जानना चाहते हैं, प्रधान आपके ऊपर इतना सुन्नत क्यों खाए? सर थोड़ा पहले बड़े वाले भाई की आवाज़ आई थी तो उसमें लफड़ा हो गया था। पैसा वैसा मांगने रहा है। कितना पैसा मांगे थे? 20,000 मांगने रहा है तो 20,000 दी लौंडा दे ही रहा, तो वो कहे कुछ कम ले लियो, तो इमा वापस ये वजह से कहें कि जैसा वो लौंडा कहे कि तो हम कम ना दे, जो कम है कम देब, हम अत्य पैसा ना दे पौबे, और हम गरीब आदमी हैं ना दे पौबे, तो वहीं पर जो है कानून हुआ भवा। यानी आप पैसे के लेन देन में आपसे लफड़ा हो गया जिसकी वजह से आपके इस लड़के को आपात घोषित? हाँ, यही वजह। यही बात है ना? हाँ, यही वजह। क्यों यही बात है? जी सर। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि गांव में इस तरीके की तस्वीर आया करती है। अब ऐसे में ये देखना बड़ी बात है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक बार फिर निष्पक्ष जांच करते हुए क्या पाते हैं, क्या इन्हें पात्र घोषित करते हैं या फिर जो अपात्र घोषित किए हैं उसी पे अटल रहते हैं। न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए श्रवण चौहान, बाराबंकी।